हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्यूसर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीए का जो सॉल्व असाइनमेंट है 19-20 वाला, उसी के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे और दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस एमसीए का जो कौन कौन सा असाइनमेंट है जो कि अवेलेबल हो गया है। फ्रेंड्स, बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, इन सभी का, सभी कोर्सेज का सॉल्व असाइनमेंट पहले से अवेलेबल है। एमसीए का फ्रेंड्स मेरे पास पहले नहीं था, अब जा करके मेरे पास एमसीए का सॉल्यूशन भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, एमसीए का जो कौन कौन सा कोर्स है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था जिनका सॉल्यूशन अभी आपको बन के मिल रहा है, वो आप एक बार देख लीजिए और उन सबका कोड आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन सा का कौन कौन सा सब्जेक्ट है एमसीए के अंदर जो कि अभी सॉल्व असाइनमेंट के रूप में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, उसके इस वीडियो में उतना ही देखेंगे, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा एमसीएस का, जो एमसीएस टोटल 6 सेमेस्टर में होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है वो एमसीएस 11 से लेकर के एमसीएस 15 तक होता है। तो फ्रेंड्स, एमसीएस 11 से लेकर के एमसीएस 15 होता है, एमसीएस 11, एमसीएस 12, एमसीएस 13, एमसीएस 14, एमसीएस 15, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और उसके साथ एक दो लैब है जो कि एमसीएसएल 16, एमसीएसएल 17, ये दो, और एमसीएस 11 से लेकर के एमसीएसएल 15 तक के जो 6 सब्जेक्ट है वो एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, तो ये इन सभी का, इन 6 असाइनमेंट्स का सोल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इनके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको अगर लेना होगा इनका सोल्व असाइनमेंट, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां से कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से कॉल करके आप इसका पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ भी आपको व्हाट्सएप में रन हो रहा है 8210193908। तो फ्रेंड्स, इन जगह से आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बीसीए एंड एमसीए, इन दोनों कोर्सेज के सोल्व असाइनमेंट मेरे पास कम्प्लीट है, जिनको लेना होगा आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये तो हुआ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का फ्रेंड्स जो होता है एमसीएस 21 टू एमसीएस 24 तक होता है, और इसके अंदर एक लैब होगा जो एमसीएसएल 25 होगा। ये आपको सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो कि इनका भी सोल्व असाइनमेंट कंप्लीट है। उसके बाद फ्रेंड्स एमसीएस 50 थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एमसीएस 31 टू 35। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है और इसके साथ एक लैब होगा जो एमसीएस 36 होगा, ये एमसीएसएल 36, ये जो 5 सब्जेक्ट है इनका सोल्व असाइनमेंट फ्रेंड्स अवेलेबल है। जिनको चाहिए वो अभी फ्रेंड्स वो सारा का पीडीएफ को एक साथ दिखा देंगे, ताकि इनमें से टोटल मेरे पास 15 या 16 पूरा पीडीएफ अवेलेबल है जो कि एमसीए का है ओनली फॉर। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं थर्ड सेमेस्टर, तो हो गया। अब बात करते हैं एमसीएस फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर जो होता है फ्रेंड्स वो एमसीएस 51 से लेकर के एमसीएस 45 तक होता है, और इसमें एक लैब होगा जो एमसीएस 55 है यहाँ पर, या एमसीएस 56 होगा यहाँ पर, लेकिन हम 55 लिखा गया, एमसीएस 56, एमसीएसएल 56 होगा, 46, सॉरी एमसीएसएल 46 होगा यहाँ पर, यहाँ पर 46 होगा, और एमसीएस 41 टू 45 तक जो है वो 3D है, ये लैब है एसएल वाला। तो फ्रेंड्स, ये आपको हो गया फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। एंड फ्रेंड्स, फाइव सेमेस्टर का वो एमसीएस 51 एंड एमसीएस 52, ये दो ही असाइनमेंट है, ये दो ही 19-20 का मेरे पास अवेलेबल है। जो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर सॉरी, जो एमसीए के फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट स्टूडेंट है उनका ये दो सब्जेक्ट है एमसीएस 51 एंड एमसीएस 52, वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपको जो एमसीए का स्टूडेंट है उनके लिए सभी सेमेस्टर के जो कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है उनका डेटा आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये सभी जो डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा मतलब ये जो सोल्व असाइनमेंट का सब्जेक्ट का कोड है, इन सभी का सोल्व असाइनमेंट मेरे पास अवेलेबल है। जिनको भी लेना होगा एमसीए का सोल्व असाइनमेंट या फिर बीसीए का सोल्व असाइनमेंट, आप फ्रेंड्स वहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप देख लीजिए जो मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल वो कितना अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मार्क लगा हुआ दिख रहा होगा एमसीएस 11, एमसीएस 12, एमसीएस 13, MCS 15, MCS 21, 23, MCS 24, MCS 32, MCS 33, MCS 44, MCS 51, MCS 52, और ये लैब है 3 ठो,
MCSL 16, MCSL 17, MCSL, यहाँ पे कोड कुछ गलत, MCS 25। फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट है टोटल टोटल जो है ना 15 सब्जेक्ट है, ये जितने भी सोल्व असाइनमेंट है MCA का, इसका फ्रेंड आपको सोल्व असाइनमेंट कंप्लीट है। जिनको भी लेना होगा मेरे पास वो PDF पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और भी इसका PDF, 5-6 PDF और है जो दूसरे फाइल में फ्रेंड, ये आपको MCA का है ओनली फॉर। फ्रेंड्स ये देख लीजिए जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है इग्नू में MCA का, ये रहा, ये क्विक सपोर्ट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड, जिनको ये इन सभी सब्जेक्ट के अगर लेने होंगे असाइनमेंट फ्रेंड्स, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। जिनको भी सोलह असाइनमेंट का चाहिए, ठीक है, MCA फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है वो MCS 11 है, MCS 12, MCS 13, MCS 14, 15, BSL 16 और 17। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि ये सारे फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट भी सारे अवेलेबल है। MCA थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट में आपको 31, इसका साथ नहीं था फ्रेंड, जो भी अगर बात कर लीजिएगा उस टाइम खोज लेंगे, जो भी है टोटल हमारे पास 17 ही है। और MCA फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट में आपको ये अवेलेबल है, एंड MCS 51 भी अवेलेबल है, एंड MCS 52 भी अवेलेबल फ्रेंड्स। जिनको इन MCA का, उनको इस MCA के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर कोई भी और भी असाइनमेंट अगर है आपको, तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, वहां से आप कांटेक्ट करेंगे, आपको इसका सॉल्व PDF मिल जाएगा फ्रेंड्स। सेकेंड बात ये है कि सर MCA का जो सब्जेक्ट कोड है, MCA का जो सब्जेक्ट सॉरी प्रोजेक्ट है, MCA का जो प्रोजेक्ट है, अगर आप किन्हीं को लेना होगा तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। MCA का प्रोजेक्ट मेरे पास अवेलेबल होता है, एंड बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट का मिलेगा। एंड फ्रेंड्स MCA या फिर BCA वालों को भी अगर प्रोजेक्ट का जरूरत है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनका जो भी हेल्प हो सकता है हम उसमें प्रोजेक्ट में आपको जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। ये रहा आपका BCA एंड MCA के लिए। एंड फ्रेंड BCA वाले का भी पूरा सोल्व असाइनमेंट कम्प्लीट है, एंड MCA वाले का भी सोल्यूशन लगभग लगभग आप कम्प्लीट हो ही गया है। तो फ्रेंड जिनको भी लेना होगा आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप वहाँ से ये MCA का एंड BCA का जो सब्जेक्ट है, जो सोल्व असाइनमेंट है एंड प्रोजेक्ट है, या फिर कोई किसी का कोई हेल्प चाहिए तो फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट करके वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्व असाइनमेंट के साथ। एंड इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।